आदर्श छात्र पर निबंध प्रस्तावना आदर्श छात्र जन्म से आदर्श या संपूर्ण नहीं होते हैं वे अपने माता पिता और शिक्षकों द्वारा आदर्श बनाए जाते हैं में छात्र के प्रदर्शन पर घर का वातावरण एक बड़ा प्रभाव डालता है शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हालांकि माता पिता और शिक्षक केवल छात्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं और अंततः यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को कैसे संचालित करता है क्या चीज छात्र को आदर्श बनाती है यह कुछ चीजें हैं जो विद्यार्थी को आदर्श बनाती है आदर्श छात्र कक्षा में जितना ध्यान देते हैं और समझते हैं उतना ही अच्छा वे अपने कक्षा में कर सकते हैं वे अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए कक्षा में सवाल पूछने में संकोच नहीं करते वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे हर दिन घर पर जाने से पहले कक्षा में मिले कार्य को पूरा करें वे चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं वे न केवल एकेडमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं बल्कि खेल वाद विवाद प्रतियोगिताओं कला और शिल्प गतिविधियों जैसी अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं वे पहल करते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं वे असफलता के डर के कारण अवसरों को नहीं छोड़ते वे विफल होने पर भी हार नहीं मानते हैं वे चीजों को फिर से करने की कोशिश करते हैं जब तक वे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं करते आदर्श छात्र स्कूल में पसंदीदा होते हैं आदर्श छात्र वे होते हैं जो स्कूल में लगभग हर चीज में अच्छे होते हैं सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं कक्षा में हर कोई उनका मित्र बनना चाहता है सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में एक आदर्श छात्र होने पर शिक्षक और साथ ही अन्य छात्रों पर अच्छी छाप पड़ती है अगर आपका मित्र पढ़ाई में अच्छा है तो आपको पढ़ाई में सहायता मिलती है उनके नोट्स हमेशा आपके लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं वो आपको नियमित रूप से अध्ययन करने और खेल संगीत नृत्य जैसी अतिरिक्त पाठ्यचर्या वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता है एक व्यक्ति की कंपनी विशेष रूप से उम्र के बढ़ने वाले वर्षों में उस पर एक बड़ा प्रभाव डालती है जो अच्छे आदर्श छात्रों का साथ रखते हैं उनमें अच्छी आदतें पैदा होना निश्चित है शिक्षकों के बीच आदर्श छात्र उनका पसंदीदा होता है शिक्षक कक्षा में दूसरों को उनका उदाहरण देते हैं और उन्हें उनकी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कहते हैं शिक्षक अपनी अनुपस्थिति में इन छात्रों को अन्य कार्य सौंप देते हैं जैसे कि परियोजनाओं की तैयारी पुस्तकों नोटबुक का वितरण और कक्षा की निगरानी हर शिक्षक चाहता है कि उनकी कक्षा में हर छात्र आदर्श हो आदर्श छात्र होना जीवन में हमेशा मदद करता है ऐसा कहा जाता है कि आप जो बार-बार करते हैं असल में आप वैसे ही होते हैं तब उत्कृष्टता जीवन का एक रास्ता बन जाती है एक आदर्श छात्र हमेशा व्यवस्थित होता है वो अपने कमरे स्कूल बैग किताबों और अन्य सामान को एक संगठित ढंग से रखता है ताकि जब उसे जरूरत पड़े तब समय की बर्बादी न हो वह जानता है कि उसे सामान की तलाश कहाँ करनी है संगठित होने का मतलब केवल चीजों को सही तरीके से रखने का मतलब नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि अपने कार्य को एक कुशल तरीके से प्राथमिकता देने और संगठित करने की क्षमता है ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके बाद में यह एक आदत बन जाती है और यहां तक कि जब छात्र बड़े होते हैं तो इस आदत की वजह से संगठित रहते हैं जो लोग संगठित होते हैं वे दोनों निजी और पेशेवर जीवन को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं एक आदर्श छात्र जानता है कि कैसे विभिन्न गतिविधियों के बीच एक संतुलन को बनाए रखना है और वह जैसे जैसे पेशेवर जीवन में बढ़ता है उसके लिए कार्य जीवन का संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है वह काफी कठिन काम करता है और केंद्रित रहता है और यही बात के जीवन में उसे बहुत कुछ करने में मदद करता है निष्कर्ष एक आदर्श छात्र का जीवन दूर से मुश्किल लग सकता है हालांकि आदर्श छात्र का जीवन वास्तव में उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक सुलझा हुआ होता है जो अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं आदर्श छात्रों को महत्वाकांक्षी माना जाता है वे अपने जीवन में उच्च लक्ष्य रखते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं